वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। ये मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से और सभी प्रदेशवासियों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, ये हीट वेव है, ये मौसम है और राजस्थान में तो आप देखते हैं जिस तरह गर्मी का प्रकोप होता है हमेशा ही रहता है। इसमें मेरी सभी से अपील है कि हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। मैंने अपील की है कि सभी मिलकर के इसमें ध्यान रखें, सरकार की ओर से भी माकूल व्यवस्था करने की लिए कहा है, निर्देशित किया है, वो गौशाला से लेकर के जहाँ पानी की आवश्यकता है टैंकर से लेकर के सभी कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किया है, बिजली पानी की व्यवस्था ठीक रहे और चिकित्सा स्वास्थ्य की, क्योंकि मौसम का बदलाव है तो वहाँ भी कहा है कि वो भी ठीक प्रकार से रहे और हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार रहें और हमने सभी की छुट्टियाँ भी निरस्त की हैं। मैं प्रदेशवासियों से भी कहना चाहता हूँ क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है और समाज जिस काम को करता है वो काम पूर्ण रूप से सफल होता है और उस काम में जब हम जुड़ते हैं तो एक अभियान के तहत उस सारे कामों के लिए ठीक प्रकार से सुनियोजित होता है। हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी बैठक ली थी और हमने कहा सेवा ही संगठन है, हम सेवा के भाव को नहीं छोड़े हैं और इसी संदर्भ में आज हमारे सभी पार्कों में, इधर तो मैं आया हूँ, बाकी के जयपुर के सभी अधिकतर पार्कों में है परिंडे बांधने का, और उसमें सबसे बड़ी बात है परिंडे तो बांध देते हैं, रेगुलर रूप से उसमें पानी की व्यवस्था, पक्षियों को दाने की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को भी हो और गायों में, गौशाला के लिए, बंदरों के लिए जहाँ ऐसी व्यवस्था है तो सभी जगह हमने कहा है। और वो क्षेत्र में, जिलों में भी हमने बड़े बड़े जो हमारे कस्बे हैं उनमें भी हमें निर्देशित किया है और हमने हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को भी आग्रह किया है कि आप सभी निकल करके जहाँ आपको ऐसा लगे कि हाँ आवश्यकता है उसे आप सभी लोग करें, ये सेवा का काम है। और ये जिस तरह से नौतपा चल रहा है, ये गर्मी है, इस गर्मी में अगर हम पानी की, पशुओं को चारे की और जीव जंतुओं को दाने का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रकृति का जो संचालन है वो ठीक प्रकार से होगा और सभी को उसका फायदा मिलेगा, ऐसा मैंने सभी से निवेदन किया है। आप लगातार निर्देश दिए, उसके बाद में बिजली और पानी, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां भी स्थगित कर दी गई हैं और कल आपने अप्रिशिएट भी किया है बिजली विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी भी, मजदूर भी जो हैं वो रात रात भर जग करके बिजली की सप्लाई सुचारू। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में बिजली की जो समस्या, क्योंकि पिछली सरकार ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो बिजली उत्पादन बढ़े, हमारे उपभोक्ता बढ़े हैं लेकिन पिछली सरकार ने बिजली बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। हमने आते ही हमें पता था कि इस तरह की आएगी दिक्कत, लेकिन एक साथ वो नहीं हो सकती। हमने हमारा थर्मल पावर जो धौलपुर वाला था बंद पड़ा, उसको भी चालू करने का निर्देश दिया है और हमने एक वो था 10 रुपये में बिजली लेने की बात थी लेकिन वो भी हमने तोड़ा है कि राजस्थान की जनता को किसी भी भाव में बिजली मिलेगी, हम भाव बिजली की दे करके रहेंगे। लेकिन इस समय ऐसा वेव होता है कि पूरे देश के अंदर बिजली की आवश्यकता होती है। मैं प्रदेशवासियों से मैंने निवेदन भी किया है कि हम जितनी आवश्यकता है उतनी हम काम में लें, थोड़ा बिजली बचत भी बिजली का हम फायदा दे सकते हैं। और मैंने यही कहा है कि सरकार की जितना है उतना सरकार ने पूरी ताकत के साथ हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे बिजली पानी स्वास्थ्य के लिए लगे हुए हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि व्यवस्था है। वो ये तो नहीं कह सकता कि बिजली पूरी तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो बिजली
एक घंटे दो घंटे तीन घंटे, तो हम पहले से कह के, और वहाँ हमने कहा है कि एक बार वहाँ कटे अगले सात दिन तक वहाँ बिजली नहीं जाए। पूरी व्यवस्था करने की सरकार कोशिश कर रही है, और आमजन से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो भी पशु पक्षियों से लेकर के सब में अपना सहयोग दें, और सहयोग देते हुए इस हीट वेव में अपना काम। एक आखिरी छोटा सा सवाल, चुनाव का कल भी एक चरण था, क्या लगता है आपको, आप कई राज्यों में जाते हैं, मेरे देखिए मैं दूसरे व्यक्तियां जो देश के कई प्रदेशों में मेरे को जाना हुआ है, और जैसा मैंने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को विश्वास है, और वो विश्वास ये है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जिस तरह का हर प्रदेश में उत्साह है, उमंग है, और वो जो देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री जी की शपथ लें, और हमें विश्वास है जैसा नारा हमने दिया है 4 जून 400 पार, निश्चित रूप से 4 जून को 400 पार भारतीय जनता पार्टी होगी। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।